हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, माई सेल विपिन शर्मा। आज प्यारे बच्चों जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन से पहले बच्चों कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस का। बच्चों, जो फोर्स होते हैं वैसे तो दो टाइप के होते हैं। एक फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं हमारे पास, सेकेंड होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस में प्यारे बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्सेस, ये फोर्स आते हैं जो हम सबसे इनिशियल में इसको पढ़ चुके हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। सेकंड प्यारे बच्चों हमारे पास टेंशन है। थर्ड प्यारे बच्चों हमारे पास नॉर्मल है। और फोर्थ प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, स्प्रिंग फोर्सेस है। ठीक है ना, ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। और यहाँ हमें हमारे जो सिलेबस में है प्यारे बच्चों वो फ्रिक्शन है। ठीक है ना, फ्रिक्शन हमें डिटेल में पढ़ना है। वैसे नॉर्मल भी हमारे पास सिलेबस में आता है, क्योंकि विदाउट नॉर्मल की नॉलेज के हम NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को प्यारे बच्चों सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो सभी बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है कौन कौन से हैं, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन और स्प्रिंग फोर्स। बच्चों यहाँ मोस्टली हम टेंशन NLM में टेंशन की भी बात करते हैं, नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं। बच्चों नॉर्मल मैं इससे पहले वीडियोस में बता चुका हूँ क्या होता है। देखो, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ नॉर्मल क्या होता है बच्चों, हम क्यों किसी भी सतह पर खड़े हो सकते हैं? हम क्यों कीचड़ में नहीं खड़े हो पाते हैं, कीचड़ में नीचे धंस जाते हैं, क्या कारण होता है इसका? देखो यहाँ छोटी सी जगह मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये कोई मास m है, ठीक है ना, मास m है, तो इसका वेट नीचे की ओर लगेगा mg, ठीक है ना, इसका वेट नीचे की ओर लगेगा mg। और जस्ट इसके ऊपर प्यारे बच्चों ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये इस मास पर एक फोर्स लगाता है जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर। ये n बराबर mg होता है, n बराबर mg होता है ऑलवेज। अगर n बराबर mg है तभी हम सरफेस पे खड़े हैं, ठीक है ना। अगर n इससे बड़ा हो जाता तो हम सरफेस से उड़ जाते, ठीक है ना। अगर mg बड़ा हो जाता है n से तब हम नीचे धस जाते हैं। यही सेम प्रोसीजर होता है कीचड़ में, ठीक। हमेशा n बराबर mg के ही लिखा जाता है, आप याद रखिएगा। नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल होगा, ऑलवेज विल बी इक्वल टू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल, जो कॉन्टैक्ट फोर्स के जस्ट डाउन में लगा हुआ होगा, याद रहेगा। टेंशन की तो बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं। टेंशन क्या होता है, मान लीजिए कोई एक पुली लो, उस पर एक रस्सी से ऐसे एक मास इधर लटका दो, एक मास इधर लटका दो, ठीक है ना। और तो ये मास इस रस्सी पर क्या करेगा, एक फोर्स लगाता है, एक खिंचाव पैदा करता है, ठीक है ना। और वो खिंचाव भी प्यारे बच्चों क्या होता है, या इट इज ए पुलिंग फोर्स। क्या है, इट इज ए पुलिंग फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। तो इनका थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्यारे बच्चों आप लोगों को देना है। इसके बाद जो हमें डिटेल में पढ़ना है वो है फ्रिक्शन। तो चलिए प्यारे बच्चों फ्रिक्शन की बात करते हैं। बच्चों फ्रिक्शन हमारे पास तीन टाइप का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और थर्ड जो हमारे पास फ्रिक्शन है बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए मान लीजिए कोई ये, देखो ये कोई सरफेस है और इस पर ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ से इस पर हल्का सा फोर्स लगाया, ये नहीं चला, ठीक। मैंने इस पर हल्का सा फोर्स लगाया, ये नहीं चला, क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है नीचे और ये जो ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, इनके जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वहाँ एक फोर्स काम कर रहा है जो अपोज करेगा इसके मोशन का। इट इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। हल्का सा फोर्स लगाया, नहीं चला, इससे हल्का सा और बढ़ाया, अब भी नहीं चला। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब फोर्स और ज़्यादा लगाऊंगा ये चलने लग जाता है, इस तरह। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब है, जब बिल्कुल इनिशियली हम जब बॉडी रेस्ट में रखी हुई है और ये मेरा जो हाथ है और ये जो बॉडी है इसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, दिस इज नोन एज स्टेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब मैंने इसको चलाने की कोशिश करी, नहीं चला, बिल्कुल आखिरी वाली स्टेज, बिल्कुल लिमिटिंग स्टेज,
जस्ट चलने से पहले जो फ्रिक्शन लग रहा होगा इस बॉडी के और हाथ के बीच में, इट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक। और जब ये बॉडी चलने लगती है या चलना स्टार्ट कर देती है तब भी यानी बच्चों कॉन्टैक्ट सरफेस के और बॉडी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना। तो वही तीनों चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस एंड बॉडी इन रेस्ट, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग, ये अपने आप एडजस्ट होता है। बात समझ गए, जिस तरह की बॉडी है उसी हिसाब से ये अपने आप एडजस्टमेंट इसका चलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो हमारे पास है, एफ एस इज इक्वल टू, जो इसका फॉर्मूला है, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एफ एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, और म्यू एस क्या है प्यारे बच्चों, इसको कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है जो आपको न्यूमेरिकल में पहले से ही मिलेगी। एन क्या है, ये बच्चों नॉर्मल है, नॉर्मल फोर्स। ठीक। इसी तरह से ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड सरफेस जस्ट बिफोर द मोशन। ठीक। सेकेंड, बॉडी मूव्स, बॉडी तब ही चलेगी अगर हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, नहीं तो बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक है। इसके बाद इसका जो फॉर्मूला बनेगा, एफ एल इज इक्वल टू म्यू एल इंटू एन। ठीक। यहाँ एफ एल क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू एन क्या है पहले बच्चों, कोफिशियंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और एन क्या है नॉर्मल। इसी तरह से ही काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, हेयर, यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, जब बॉडी मोशन करने लगेगी तब जो कॉन्टैक्ट सरफेस है और जो बॉडी है उसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और इसकी वैल्यू या इसका जो फॉर्मूला होता है, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, जहाँ म्यू के क्या है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड एन क्या है प्यारे बच्चों, नॉर्मल। तो ये एक बेसिक आइडिया था। अब हम ग्राफ पढ़ेंगे प्यारे बच्चों इसका, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम। तब तक आप ये सभी चीज़ें कंप्लीट कर लेना बच्चों, वन शॉट में बिल्कुल सारे सारे कंसेप्ट में देने की कोशिश कर रहा हूँ, और कम से कम में, कम से कम में, बात समझ रहे हो, ज़्यादा पेज भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो ये पूरा पूरा फ्रिक्शन फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स का प्यारे बच्चों कंसेप्ट हैं जो मैंने आपको बताया। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।